नमस्कार, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीना जैन। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। सरे बाजार, प्रेमिका ने मां के साथ मिलकर प्रेमी को पीटा, निकाला जुलूस, ये कैसा प्यार। खुरई में सड़क पर दो युवती और एक महिला जूते चप्पल से पीटते हुए एक युवक को ले गई थाने। महिला ने बेटी के अपहरण और बंधक का लगाया आरोप, पुलिस जाँच में जुटी। खुरई की मुख्य सड़क स्टेशन से लेकर सहरी थाने तक मौजूद सभी लोग एक नज़ारा देखकर उस समय बहुत चक्के रह गए, जब दो युवतियां और एक महिला जूतों और चप्पलों से पीटते हुए एक युवक को ले जा रही थी। युवक के मुंह से खून निकल रहा था, हाथ भी बंधे हुए थे। युवती और महिला चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इसने मेरी बेटी का अपहरण कर एक कमरे में 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा है। तीनों महिलाएं युवक को पीटते हुए थाने ले गईं। युवती की मां ने बताया कि वह खुरई में रहती है। पड़ोस में ही रहने वाले बीरेंद्र रेखवार ने 2 नवंबर की दोपहर लगभग 2 और 3 बजे के बीच उसकी बेटी का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने नहीं लिखी। 3 दिनों तक उसकी बेटी युवक के चंगुल में रही, फिर उसने चोरी से किसी के मोबाइल से उसे जानकारी दी तो परिजनों ने स्टेशन के पास से एक कमरे से उसे निकाला, वहाँ बीरेंद्र भी था। युवती ने बताया कि बीरेंद्र ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की है, जबकि सहरी थाना प्रभारी राघवेंद्र शह ने बताया कि महिला और दो युवतियां पीटते हुए शिकायत करने थाने पहुंची थी। यह वही युवती है जिसको लगभग 15 दिन पहले ही भोपाल की छोला थाना पुलिस इसी लड़के के पास से दस्तयाब कर ले गई थी। दरअसल भोपाल में युवती की गुमशुदगी का मामला 12 अक्टूबर को दर्ज हुआ था। युवक ने बताया कि वह तो खुरई में रहता है, ये सभी भोपाल से आज ही आए हैं और उसे पीटते हुए थाना ले आए। उसने तो युवती से शादी करने तक का दावा किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। ये एक भोपाल थाने छोला मंदिर में एक प्रकरण गुम इंसान पंजीबद्ध हुआ था, जो लड़की है वो और लड़का दोनों आपस में प्रेम करते थे, तो उसके बाद आ गए थे यहाँ पे, जिनको वहाँ की पुलिस ने दस्तयाब करके उसमें आगे की कार्रवाई की। तत्पश्चात ऐसा उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने विवाह कर लिया था, और विवाह उपरांत पत्नी उसकी अपने मायके चली गई, पति यहाँ आ गया था। तो कल दिनांक को वो लोग भोपाल से आए, तो वो जो तथाकथित जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ उन्होंने धुआं झटकी मारपीट की घटना प्रकाश में आई थी। अभी इस संबंध में भोपाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है।